सीधी वाली घटना ना होती वो वीडियो वायरल ना होता केदारनाथ शुक्ल का मामला कमजोर ना पड़ता जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं हैं वो ये कहते हैं कि विंध्य के जो ब्राह्मण बहुल इलाका है ब्राह्मण वोटर्स है उनको कैटर करने के लिए राजेंद्र शुक्ला को ये मिनिस्ट्री दी गई लोग तो ये भी कहते थे कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था आप शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं? मेरे उनके बहुत पुराने संबंध हैं। आपने रीवा को क्या दिया या आपने रीवा के लिए क्या किया हर तरीके से रीवा लोग कहते हैं कि विकास कार्य के नाम पर मंत्री जी ने कोड़ियों के दाम पर को जमीन बेची ये कोई घर की खेती तो है नहीं कि सरकारी जमीन कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री किसी को कोड़ियों के दाम दे सकता क्या वजह है कि आज भी रीवा के बच्चे इंदौर और भोपाल जाकर पढ़ने को मजबूर है आने वाले दिनों में आप देखिएगा दो चार सालों के बाद हमें छुट्टा जानवर बहुत दिखे आपकी सरकार दावा करती है कि गोवंश को बचाने के लिए वो तमाम काम कर रहे हैं यहाँ क्यों नहीं हो पाया नहीं ऐसा नहीं है हमारे साथ रीवा के चार बार के विधायक और पाँचवीं बार मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी और मध्य प्रदेश में इस वक्त जनसंपर्क मंत्री और पीएचई मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला जी हैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जिस शाम हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी और हमारी दोनों की दिवाली वर्किंग दिवाली है पहला सवाल तो हमारा यही होगा कि आप 40 दिन पहले आपको दोनों ही बड़े डिपार्टमेंट दिए गए क्या वजह रही कि इस कार्यकाल में साढ़े तीन साल तक ये कैबिनेट आपके पास नहीं आए सबसे पहले तो आपको भी दीपावली की बहुत शुभकामनाएँ और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मैं दीपावली की शुभकामनाएँ देता हूँ जहाँ तक आपने सवाल किया है कि 40 दिन पहले ही क्यों तो पार्टी आप जानती हैं कि समय पर परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर अपने डिसीजंस लेती है किसको मंत्रिमंडल में रखना है किसको नहीं रखना है कब रखना है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आ, आ, जब बेहतर समझा तो मंत्रिमंडल में मुझे जगह दी है हालांकि जब मैं मंत्री नहीं भी रहा हूं, तो चूंकि मेरी सरकार थी मुख्यमंत्री हमारे थे सारे मंत्रियों से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे तो कभी भी एहसास नहीं हुआ कि मैं मंत्री नहीं हूं यहां तक कि 12 साल में जब मंत्री रहा तो अधिकारियों से भी इस प्रकार के संबंध रहे कि सभी जानते थे कि मेरा जो उद्देश्य रहता है क्षेत्र के डेवलपमेंट का ही रहता है और उस मामले में जब भी मैं कोई प्रस्ताव देता हूँ तो उसको कोई मना नहीं करता चाहे मैं मंत्री हूँ या ना हूँ तो रीवा के लोगों ने भी ये कहना शुरू कर दिया था शुरू में तो लगा कि मंत्री नहीं बनाया लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि बिना मंत्री के ही ये मंत्री हैं तो कुल मिला काम चलता रहा और बाद में जब मुझे मंत्रिमंडल में शामिल होने का निर्णय लिया गया तो हम लोग तो कार्यकर्ता हैं जब जहाँ पर जो काम सौंपा जाता है उसको खुशी खुशी करते हैं आपके आलोचक कहते हैं कि अगर सीधी वाली घटना ना होती वो वीडियो वायरल ना होता केदारनाथ शुक्ल का मामला कमजोर ना पड़ता तो और जो जातिगत समीकरण समझते हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि विंध्य के जो ब्राह्मण बहुल इलाका है ब्राह्मण वोटर्स हैं उनको केटर करने के लिए राजेंद्र शुक्ला को ये मिनिस्ट्री दी गई चालीस दिन पहले और अगर वो ना हुआ होता तो ऐसा होता ही नहीं उनको ये मिनिस्ट्री भी ना दी जाती दूसरे जो आपकी पार्टी के अंदर के ही जो आलोचक है वो ये बात बताते हैं कि आप शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं और बी डी शर्मा से आपकी नहीं बनती तो जब वो बीजेपी के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने तय किया कि आपको मिनिस्टर नहीं बनाना है आपकी इस पर क्या राय है नहीं ऐसी कोई बात मुझे समझ में नहीं आती है कि आ, मेरा ये मानना है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को के समर्थन से सरकार बनी तो उस समय उनके बहुत से ऐसे लोग जो पार्टी छोड़ के आए थे उनको मंत्री बनाना ज़रूरी भी था और जब उनको मंत्री बनाना ज़रूरी था तो जो पहले से मंत्री बन रहे हैं लोग उनमें से कुछ लोगों को ये कहना भी जरूरी हो गया था कि अब इस बार परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हमें उनको एकोमोडेट करना है सिंधिया जी के के साथ जो लोग आए हैं इसलिए वो बड़ा व्यवहारिक पहलू था और हमारा विंद क्षेत्र में इतना बड़ा समर्थन मिला था कि लोग ये मानते थे कि जहाँ पर थोड़ा सा कमजोर परफॉर्मेंस है वहाँ के लोगों को तोज्जो दिया जाए और मैं वैसे भी 11-12 साल मंत्री रह चुका था तो ये डिसीजन हुआ तो फिर मैंने उसको मेरे चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं आई जब मुझे ये डिसीजन बताया गया कि आपको मंत्रिमंडल में इस वजह से शामिल करना संभव नहीं हो पा रहा है तो मैंने कहा कि पार्टी का जो भी निर्णय है शुरुधारे है और पार्टी ने ही मुझे आगे बढ़ाया और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको मैं निर्वहन करूँगा तो सीधी का जहाँ तक आपने सवाल किया है ये आ, इसका उससे कोई संबंध ही नहीं है कि सीधी की घटना के बाद इस प्रकार की परिस्थितियाँ बन गई कि मंत्री बनाना आवश्यक था ड्यू तो पहले से था लोग तो ये भी कहते थे कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था तो कोई चीज़ ऑलरेडी ड्यू थी और जब ऐसा लगा कि अब ये करना आवश्यक है पार्टी आमतौर पर बहुत सोच विचार के निर्णय करती है तो उन्होंने इसको निर्णय किया जहाँ तक आपने प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा की बात कही है तो मेरे उनके बहुत पुराने संबंध हैं वो यहाँ के न, दो के चुनाव में जिसमें क्लीन स्वीप किया था हम लोगों ने कांग्रेस का पूरा सफाया हो गया था विंध्य क्षेत्र में तो वो यहाँ के प्रभारी भी थे संगठन के पदाधिकारी के नाते और मैं यहाँ का मंत्री था हम लोगों का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन था कि उसके दम पर ही इतनी सारी सीटें भी आई तो उनसे संबंध खराब हो जाना प्रदेश अध्यक्ष बन जाने के कारण ऐसा सही नहीं है गृह नक्षत्र और समय ये बहुत काउंट करता है और मैं ये मानता हूँ कि उस समय की समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उस समय शायद हम मुझे आराम करना ही ए, लिखा हुआ था तो मैंने आराम तो नहीं किया दिन रात काम भी किया और ये भी हमने स्थापित किया कि काम कराने के लिए ज़रूरी है कि कोई मंत्री ही काम करा सकता है विधायक भी काम करा सकता है ये बात चर्चा का विषय रही तीन साल जब मैं विधायक रहा और इसलिए वो दोनों बातें जो सीधी का कांड है और आदरणीय बी डी शर्मा जी से संबंधित जो आपका प्रश्न है वो पॉलिटिकल uh, गॉसिप हो सकता है लेकिन वास्तविकता नहीं अच्छा आप 20 साल से रीवा के विधायक हैं आप अपनी उपलब्धियाँ क्या बताते हैं अपने कार्यकाल की कि आपने रीवा को क्या दिया या आपने रीवा के लिए क्या किया रीवा संभागीय मुख्यालय होने के बाद भी तहसील से बड़ा नहीं दिखता था ऐसा हम नहीं लोग कहते थे कि यहाँ पर ना तो अच्छी सड़कें हैं ना बाईपास है ना रिंग रोड की सड़कें हैं जो एक संभागीय मुख्यालय के लिए बहुत ही जरूरी होता है रीवा uh, जो आज आप देख रहे हैं उसका वन फोर्थ था अब तो तेज़ी से अर्बनाइजेशन हुआ जब रीवा में इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा तो तेज़ी से विकास हुआ है तो बहुत तेज़ी से लोग आना शुरू हुए रीवा के वो लोग जो बाहर बसने के का मन बना चुके थे जब उन्होंने देखा कि रीवा में तेज़ी से काम हो रहा है तो फिर वो लौट के वापस आए कि अपने जहाँ पर हम पैदा हुए जहाँ हम पढ़े और बढ़े हैं तो रिटायरमेंट के बाद वहीं रहना ज़्यादा अच्छा है तो फिर लोगों ने विचार बदल के रीवा में ही आना शुरू कर दिया तेज़ी से कॉलोनियाँ बनी डिमांड के कारण और आज रीवा की जो तस्वीर है उसको देख के लोग कहते हैं कि अब तहसील पुराना तहसील जैसा दिखता था वो तो छोड़िए यदि यही स्पीड रहेगी डेवलपमेंट की तो रीवा भोपाल इंदौर के बराबरी में जाके खड़ा हो जाएगा क्योंकि रीवा में पोटेंशियल है यहाँ पर 40 मिलियन टन सीमेंट पैदा होती है 15000 मेगावाट हमारे विंध्य क्षेत्र में कोयले से बिजली पैदा होती है तीन तीन नेशनल पार्क्स हैं हमारे यहाँ बांधवगढ़ संजय गांधी टाइगर रिज़र्व और पन्ना टाइगर रिजर्व जो हमारे विसिनिटी में है रिलीजियस uh, टूरिज़म का इतना बड़ा स्कोप है कि मैहर का शारदा माई का धाम और चित्रकूट हमारे यहाँ है तो कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जो हमारे यहाँ का डेवलपमेंट बिल्कुल सकंड था दबा हुआ था आ, सब कुछ होने के बावजूद वो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर अब दिखने लगा है तो लोग ये कहने लगे हैं कि रीवा में तो बड़ा पोटेंशल है और यहाँ पर हॉस्पिटल्स uh, uh, और होटल्स इतनी तेज़ी से बन रहे हैं कि लोग उसको देख के आश्चर्यकित हैं तो uh, मैंने सिर्फ इतना किया है कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना रोबस्ट कर दिया है इतना मजबूत कर दिया है हवाई अड्डा रीवा में बन रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था चार करोड़ की लागत का एयरपोर्ट बन रहा है रीवा में uh, जिससे यहाँ का टूरिज़म बढ़ेगा यहाँ का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और सिंचाई के नहरों का जो जाल बिछाया आपका सवाल जो था कि ऐसा क्या जो सबसे बड़ा काम हुआ है कि बाणसागर का बांध जो 78 में जिसका भूमि पूजन हुआ और बाद में वो धीरे धीरे करके और काम बंद हो गया बांध अधूरा था सिंचाई की नहरें खुद ही नहीं हम लोगों ने उसको ज़्यादा फोकस किया और मुख्यमंत्री जी के दिमाग में ये बैठा दिया कि यदि विंध्य क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है तो बाँसागर का बांध और सिंचाई की नहरें का जाल इसको पूरा किया जाए और खेतों में पानी पहुँचाया जाए तो ये क्षेत्र अपने आप ही डेवलप करने लगेगा और आज तीन लाख एकड़ में पानी पहुंच चुका है और उसका असर यह है कि हमारे किसानों की धरती से दौलत पैदा करने के बाद उनकी परचेजिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है कि रीवा में पिछले साल हीरो मोटरसाइकिल देश में सबसे ज़्यादा यदि बिकी है तो रीवा में बिकी है जे मशीन देश में सबसे ज़्यादा जहाँ यदि कहीं बिकी है तो रीवा में बिकी है क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ हो गई हैं तो ये सारे काम हैं जो सरकारों का काम है जनप्रतिनिधियों का काम है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से होना चाहिए कि लोग आसानी से आ सकें आज आप रीवा से बनारस जाएं पहले सात आठ घंटे लगते थे अब ढाई घंटे में पहुंच सकते हैं रीवा से प्रयागराज जाएं पहले पाँच घंटे लगते थे अब डेढ़ घंटे में पहुंच सकते हैं जबलपुर आप ढाई घंटे में पहुंच सकते हैं जो कि पहले बहुत ही और बड़ी टायरिंग जर्नी होती थी अब तो आरामदायक जर्नी है आप आइए जाइए पता भी नहीं चलता दूसरे काम भी कर लीजिए इसी तरह से झांसी में रीवा में सोलर प्लांट बना है दुनिया का एशिया का उस समय का उस समय दुनिया का सबसे बड़ा था जब मैंने काम शुरू कराया था ये विभाग मेरे पास ही था 750 मेगावाट का उसमें 26 परसेंट बिजली डेली मेट्रो को जाती है तो डेली मेट्रो जो चल रही है हमारे रीवा के सोलर प्लांट से चल रही है तो इस प्रकार से कई ऐसे काम है रीवा की पहचान वाइट टाइगर था सेवेंटी के बाद यहाँ वाइट टाइगर नहीं था लेकिन हम कहते थे सफ़ेद शहरों की धरती पर आपका स्वागत है जब कोई भी डिग्नेटरीज यहाँ पर आता था जो हमारे हमारी पहचान थी दुनिया के जितने भी चिड़ियाघर हैं वहाँ पे जो वाइट टाइगर हैं वो के ब्रीड है, रीवा के ऑफ ब्रिड हैं रीवा के वंशज हैं लेकिन रीवा में नहीं था और ये इमोशनल इशू था हमारे यहाँ का मैंने कई पॉलिटिकल चुनावी भाषणों में लोगों को ये कहते सुना जब मैं कॉलेज में पढ़ता था कि मुझे जिताइए मैं सफ़ेद शेर वापस लाऊँगा तो आज वाइट टाइगर सफारी बन के तैयार है ढाई एकड़ में और न सिर्फ़ वाइट टाइगर हैं बल्कि वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी हैं भालू भी हैं तेंदुआ भी है इस प्रकार के और सावर चीत और इस तरह के हरबी बोर्स जो हैं वो भी हैं तो कुल मिला के हर तरीके से रीवा चौतरफा विकास की ओर आगे बढ़ रहा है आपने चौतरफा विकास बताया अब इसी में से ही कुछ सवाल है सोलर प्लांट का जिक्र है यहाँ के लोगों ने हमने बताया कि सोलर प्लांट तो बना लेकिन हमें नौकरियाँ नहीं मिली रीवा के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली उस पर आपकी राय दूसरा सवाल लोग कहते हैं कि विकास कार्य के नाम पर मंत्री जी ने कौड़ियों के दाम पर संद को जमीन बेची इस पर आप क्या कहेंगे देखिए सोलर प्लांट का जहाँ तक सवाल है तो सोलर प्लांट जब 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 बन रहा था तो वहाँ तीन यूनिट हैं हर यूनिट में पाँच पाँच सौ लोग काम कर रहे थे जो काम कर रहे थे वो सब रीवा के लोग ही उसमें चाहे कारपेंटर हो चाहे लेबर्स हों चाहे सुपरवाइजर्स हों व्यापक स्तर पर काम चला ढाई तीन साल एक बार सोलर प्लांट बन जाता है तो फिर आपको मालूम है कि उसमें ना तो कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करके लाना है तो सूरज से सीधे रोशनी आती है पैनल्स में पैनल्स की सफाई करने का काम और उसकी चौकीदारी करने के काम के अलावा बाकी जो वर्कर्स होते हैं उसकी डिमांड होती नहीं है तो शुरू में तो डेढ़ हज़ार लोगों को काम मिला वहाँ पे लेकिन जब वो कमीशन हो गया पावर प्लांट तो उसके बाद वो प्रति प्लांट जो पाँच लोग थे वो सौ हो गए तो जो लोग काम कर रहे थे उसके बाद उनके पास जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है बिल्डिंग बन गई बिल्डिंग के बाद तो उस बिल्ड वहाँ पर कोई रहेगा नहीं लेकिन जो सौ लोग काम कर रहे हैं अभी भी मुझे लगता है पर प्लांट सौ से डेढ़ सौ लोग हम चौकीदार भी जोड़ लें हम पैनल की सफाई करने वाले जो मजदूर हैं उनको जोड़ लें और कंट्रोल टावर में जो काम करने वाले टेक्निकल स्टाफ हैं उनको वो वो पचास रहते हैं और बाकी आप मान सकते हैं कि डेढ़ सौ हर प्लांट में तो साढ़े चार सौ पाँच सौ लोग अभी भी वहाँ काम कर रहे हैं उसमें सेवेंटी परसेंट रिवा के ही हैं लेकिन बेरोज़गारी ऐसी है कि सबको तो नहीं मिल सकता है और फिर उन्होंने छटनी किया बहुत से ऐसे टेक्निकल स्टाफ जिनकी उनको ज़रूरत नहीं थी जैसे हमारे बगल में ही एक मृत्युंजय द्विवेदी रहते हैं तो वो वहाँ पर सोलर प्लांट में शुरू से काम करते थे फिर वो उसी कंपनी के राजस्थान में बनने वाले सोलर प्लांट में चले गए तो लोगों ने ट्रांसफ़र किए हैं क्योंकि वहाँ पर डिमांड कम हो गई रिक्वायरमेंट कम हो गई मैन uh, पावर की तो जब तक रही है तो रीवा के लोग काम किए और अभी भी मैं मानता हूँ कि जितने लोग उसमें हैं उसमें सेवेंटी परसेंट रीवा के लोग हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं इवन कंट्रोल uh, रूम में काम करने वाले जो टेक्निकल स्टाफ है उसमें भी रीवा के आधे से ज़्यादा लोग हैं लेकिन चूँकि संख्या कम हो गई इसलिए ये बातें आती हैं कि uh, uh, सारे लोगों को काम नहीं मिला दूसरा जहाँ तक सवाल है uh, रीवा में कौड़ियों के दाम को बेचने वाला आ, सवाल तो ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है मैंने जब पंद्रह महीने की कमलनाथ की सरकार बनी थी तो मैंने ये कहा था कि अब तो आपकी सरकार बन गई है क्योंकि हर चुनाव में ये मुद्दा आता है और जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है ये मुद्दा गायब भी हो जाता है तो अठारह के चुनाव में आपको मालूम होगा कमलनाथ जी की सरकार बन गई थी और मैं विधायक बन गया था तो मैंने धन्यवाद सभा में पहले ही कहा था कि अब तो आपकी सरकार बन गई है अब करा लो जाँच और यदि सुई के नोक के बराबर भी कोई गड़बड़ी मिल जाएगी कि मैंने ये कोई घर की खेती तो है नहीं कि सरकारी जमीन कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री किसी को कौड़ियों के दाम दे सकता है उसका एक प्रोसीजर होता है एक रिडेंसीफिकेशन स्कीम है उस रिडेंसीफिकेशन स्कीम में कलेक्टर के यहाँ से प्रस्ताव बनता है फिर वो हाउसिंग बोर्ड में कमिश्नर के कहाँ जाता है फिर वो प्रमुख सचिव के डिपार्टमेंट में जाता है फिर वहाँ से चीफ सेक्रेटरी कहाँ जाता है और चीफ सेक्रेटरी जब उसमें डिसीजन करते हैं तो बारह विभागों के पी बैठे रहते हैं वहाँ पर जो पी को अप्रूव करते हैं प्रीमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिर डी को अप्रूव करते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिर टेंडर होता है फिर टेंडर को अप्रूव करते हैं वो बारह लोगों की कमेटी ये डिसीजन करती है कि ये ज़मीन फलाने व्यक्ति के ऑफर को देना है कि नहीं देना है उसमें मंत्री का क्या रोल है या विधायक का क्या रोल है लेकिन जनता चूँकि हम सौ बार झूठ बोलेंगे तो सच मान लेगी इस आधार पर इस तरह की बातें फैलाने का, का काम करते हैं तो मैंने कहा था कि सुई के नोक के बराबर भी गड़बड़ी मिल जाएगी तो मैं विधायकी तो छोड़ो जीतने के बाद भी मैं विधायकी छोड़ दूंगा और राजनीति भी छोड़ दूंगा उसके बाद सारे लोग शांत बैठे रहे पंद्रह महीने सरकार चलाए ना कोई क्योंकि को उनको मालूम था कि बड़े ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर से सरकार की इस प्रकार की ज़मीनों को देने का काम आ, आ, सरकार करती है और उसमें अधिकारी एक अधिकारी नहीं है कि दे दे उसमें बारह बारह पंद्रह पंद्रह प्रमुख सचिव लेवल के अधिकारी रहते हैं तो ये इस तरह की आधारहीन बातें करके लोगों ने पिछले तीन चुनावों में इसको मुद्दा बनाया और तीनों बार उनको मौके खानी पड़ी राजेंद्र जी कुछ स्टूडेंट्स मिले थे हमें यहाँ पर जो विवेकानंद पार्क है वहाँ उनमें से अधिकतर स्टूडेंट्स भोपाल इंदौर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं रीवा में कॉलेज होने के बावजूद रीवा में अस्पताल होने के बावजूद लोगों की शिकायत है कि ना क्वालिटी एजुकेशन है ना अस्पतालों में डॉक्टर ढंग के हैं ना इलाज सही से हो रहा है क्या वजह है कि आज भी रीवा के बच्चे इंदौर और भोपाल जाकर पढ़ने को मजबूर हैं यही आपका बहुत सही है क्या है कि रीवा और भोपाल में भोपाल और इंदौर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपको मालूम है सारे प्राइवेट सेक्टर के आ, कॉलेजे हैं जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉलेज में और हॉस्पिटल्स में तब आता है जब वहाँ का वहाँ पर उनको ये भरोसा होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा वो इंस्टीट्यूशन चलेगा रीवा को मैंने पहले ही बताया कि रीवा की ये स्थिति हो गई थी कि रीवा को लोग तहसील से बड़ा नहीं मानते थे यहाँ आने जाने के लिए सड़कें टू लेन हो होती थी चारों तरफ से आने की इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर था कि यहाँ पर जिस ज़माने में भोपाल इंदौर में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और अन्य इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्टमेंट हुए उस समय रीवा में इन्वेस्ट करने को कोई सोचता भी नहीं था प्राइवेट विश्वविद्यालय बनाने को कोई सोचता नहीं था लेकिन जब से रीवा में ये प्रक्रिया शुरू हो गई तो आप देखिए कि अब यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस बनने भी शुरू हो गए हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी दो दो आने के लिए अपनी कोशिशें कर रही हैं रेडिसन का फाइव स्टार होटल यहाँ पर आ रहा है साया जी का होटल यहाँ आ ही गया है आ, अपोलो का हॉस्पिटल यहाँ पर शुरू होने वाला है तो ये अब इन्वेस्टमेंट का वो दौर शुरू हो गया जिसके लिए ज़रूरी था रीवा का में ये हमें साबित करना कि रीवा में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा डेस्टिनेशन रीवा है इरिगेशन का नेटवर्क नहीं होने से यहाँ पर गरीबी थी यहाँ के बच्चे छोटी छोटी नौकरियों के लिए नागपुर में छोटे छोटे होटलों में जाते थे क्योंकि यहाँ पर दस एकड़ के किसान के पास भी ये परिस्थिति थी कि वो अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए मजबूर होते थे अब वही किसान की स्थिति हो गई कि मैं जब उन किसानों से पूछता हूँ कि क्या है बच्चों को भेजना है कोई भूटान भेजने के लिए तैयार हो जाता था अपने अठारह उन्नीस साल बीस साल के बच्चे को तो अब वो मुस्करा के कहता है कि अब तो इतना भूसा हम बेच लेते हैं कि चार पांच लोगों को तो इस प्रकार की छोटी नौकरी मैं खुद ही दे सकता हूँ अब अपने बच्चों को भेजने का तो सवाल ही नहीं उठता है तो रीवा पिछले बीस सालों के साधना के बाद बहुत प्रयास के बाद अब जिस तरीके से डेवलप हो रहा है तो अब आप देखिए कि ब्रांडेड शोरूम्स के ले से लेके शॉपिंग मॉल से ले सारी चीज़ें आ रही हैं और हॉस्पिटल भी आ रहे हैं कॉलेज भी आ रहे हैं अच्छे अच्छे स्कूल्स भी आ रहे हैं तो आने वाले दो चार सालों के अंदर आप देखना कि जिस तरह से इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना तो 50 परसेंट लोग अब नागपुर जाना कम हो गए हैं मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं जाते लेकिन कम हो गए हैं क्योंकि बाईस सौ हमारे सुपर स्पेशलिटी में हो चुकी है जो कोई सोच नहीं सकता था यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और 2200 सौ के जो ऑपरेशन यहाँ पे हुए हैं उसमें से 2000 आयुष्मान कार्ड वाले हैं आपको जान के ये खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि गरीब लोग जो बाहर जा नहीं जा सकते थे रात में सोते हुए कभी भी वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते वो यहाँ पर जाकर एन कराते हैं फिर एन प्लास्टिक उनकी हो जाती है और एक रुपया उनका नहीं लगता क्योंकि आयुष्मान कार्ड दे देते हैं तो अब ये जो सुधार की दिशा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने मौजूद किया जिस काम के लिए किया हमें रीवा को एजुकेशन हब बनाना है हमें कोटा कोटा को पीछे करना है हमें रीवा को मेडिकल हब बनाना है नागपुर को इस मामले में हमको पीछे करना है उसके लिए जो ज़रूरी ढांचा था वो हमने अब तैयार कर लिया है मार्च में हमारा ए टी आर सेवेंटी टू प्लेन भी शुरू हो जाएगा उससे भी लोग अट्रैक्ट होंगे मैं जब इंडस्ट्री मिनिस्टर था और मैं कहता था कि आओ री रीवा में आइए मैं मुख्यमंत्री जी के साथ जाता था और कहता था कि एम में इन्वेस्टमेंट करिए और उसके बाद मैं अलग से उनसे कहता था कि रीवा आइए क्योंकि रीवा यूपी से लगा हुआ है जहाँ 25 करोड़ की पॉपुलेशन है पूर्वोत्तर राज्य का गेटवे है हमारा रीवा तो इससे रीवा आइए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए तो वो कहते थे कि रीवा में एयरपोर्ट है क्या तो मैं निरुत्तर हो जाता था कि ये बात तो सही है कि हमारे एयरपोर्ट नहीं है और एयरपोर्ट ना होने से टूरिज़म और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो ही नहीं सकता है तो एयरपोर्ट बन रहा है तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा दो चार सालों के बाद कि आपको यहाँ पर कॉलेज बनाने वाले स्कूल बनाने वाले यूनिवर्सिटी बनाने वाले रीवा में अब होड़ लगाएंगे ज़मीन लेकर अपने इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए उनको मालूम है कि पेइंग कैपेसिटी यहाँ बढ़ गई है रीवा की अभी भी आप कह करिए कि रीवा के लोग बाहर जा रहे हैं तो यदि यहाँ पर होगा तो फिर वो बाहर नहीं जाएंगे तो अब आने वाले दिनों में ये सुधार के लिए जो ज़रूरी काम था वो हमने पूरा कर दिया है एक आखिरी सवाल पूछूंगी हम जब रीवा में घूम रहे थे हम यहाँ से यहाँ पर दो दिन में अलग अलग जगह से रिपोर्ट कर रहे हैं हमें छुट्टा जानवर बहुत दिखे हाईवे पर हमें गाय दिखती हैं और एक दो पाँच दस नहीं काफ़ी संख्या में आपकी सरकार दावा करती है कि गोवंश को बचाने के लिए वो तमाम काम कर रहे हैं यहाँ क्यों नहीं हो पाया नहीं ऐसा नहीं है ये समस्या देशव्यापी है और वास्तव में हमारी सरकार ने जब से गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया ये बात सही है कि गौओं की संख्या बढ़ी है लेकिन उसके साथ ही साथ गौशालाएँ बनाई जाएँ उनको वहाँ पर रखा जाए लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी है यदि कोई मुझसे पूछता है कि आपने रीवा में आ, सोलर प्लांट लगाया वाइट टाइगर सफारी बनाया आपने इरिगेशन सिंचाई हुई है आप बाईपास और आ, रिंग रोड रीवा में नहीं था वो सब बन गया और फ्लाई ओवरों का शहर बन गया हमारा रीवा लोग कहते हैं और दिखता भी है लेकिन उसके बावजूद यदि कोई मुझसे पूछे कि आपने सबसे अच्छा काम क्या किया है तो मुझे जो संतोष होता है मैंने दस हज़ार गायों की गौवंश वन बन विहार बनाया है जिसको काऊ सफारी कहते हैं हमने सिर्फ वाइट टाइगर सफारी नहीं बनाया हमने काऊ सफारी बनाया है पचास एकड़ की सरकारी जमीन में जो पाँच सौ एकड़ के जंगल से लगा हुआ है और अभी पिछले आचार संहिता के पहले हमने उसका लोकार्पण किया है कभी आपको मौका मिले और आप जाके वहाँ पर देखेंगी तो आपको लगेगा कि जैसे किसी कॉलोनी का विकास होता है उसी प्रकार से उस गौ अभ्यारण का विकास हुआ है जिसमें रोड है हॉस्पिटल है बायोगैस प्लांट है और रोड के दोनों तरफ शेड्स बने हुए हैं प्लॉटिंग है, है। शेड्स बनाने की प्लॉटिंग करके और शेड्स बनाए गए हैं और उसकी टोटल कैपेसिटी है इस समय सात से आठ हज़ार गायों को हम शेड में रख सकते हैं और वो गायें गौ तीन करोड़ रुपए की हमने वहाँ एफ कराई जन सहयोग से उससे डेढ़ से दो लाख रुपए हर महीने ब्याज आता है उससे हमने चालीस पचास लोगों को नौकरी में रखा गौसेवक के रूप पर जिसको हम आठ हज़ार दस हज़ार छः हज़ार ऐसी सैलरी देते हैं जो उन गायों को ले जाते हैं जंगल में चराने के लिए और फिर शाम को गोधोली बेला के में जब वो चार पाँच हज़ार गाय वापस आती हैं तो अद्भुत दृश्य रहता है तो ये एक उस प्रॉब्लम का सलूशन है जो आपने कहा कि गायों के लिए जब उनको दूध देना बंद कर दें तो फिर यदि एक समस्या है उसे खेती भी का भी नुकसान होता है और गाय यदि सड़क में है तो एक्सीडेंट से उनकी डेथ भी होती है और हम सब ये हमारी संस्कृत और धर्म ये कहता है कि तैतीस करोड़ देवी देवता गौ माता के शरीर में वास करते हैं जिसका मल और मूत्र पूजा में उपयोग होता हो इससे बड़ी और आ, वेरिफिकेशन क्या चाहिए किसी की पवित्रता का कि गौ और मूत्र गोबर पूजा में उपयोग होता हो तो इसलिए मेरा ये सोचना था कि मारी मारी यदि गौएं फिरेंगी तो समाज का कभी कल्याण नहीं हो सकता है इसलिए लक्ष्मण बाग में एक हज़ार गायों का जो शहर में है हमने शुरुआत की गौशाला बनाई शहर के जितने भी चौराहे में गौए रहती थी उनको ले जाके के वहाँ पर रखवाते थे और उनका वहाँ भंडारा चलता है वहाँ भी एक लाख रुपए हर महीने ब्याज का आता है और फिर हमने कहा कि ये संख्या कम है एक हज़ार में काम ही चलेगा तो फिर दस हज़ार गायों का बनाया और आज भी मैं कहता हूँ कि ये रीवा ज़िले की एक लाख गायों की समस्या है इसलिए कलेक्टर से मैंने बोला है कि ये तो एक सक्सेसफुल मॉडल बन गया है जिसको मुख्यमंत्री जी ने भोपाल स्तर पर राज्य स्तरीय समीक्षा में भी कहा कि सबसे अच्छा संचालन रीवा के बसामन मामा गोवंश वन विहार में हो रहा है उसको जाके स्टडी करिए और अब हमने कहा है कि हर विधानसभा में एक एक इस प्रकार का गोवंश वन विहार सरकारी जमीन को ढूंढ के जो जंगल से लगी हो जहाँ पे और जब एक लाख गायों के लिए ऐसा स्थान बन जाएगा तब वो समस्या का सलूशन निकलेगा जो आप कह रही हैं और मैं ये मानता हूँ कि यदि हमारे पास समस्या का समाधान नहीं है तो हम खुद ही एक समस्या हैं और इसलिए वो पहल करके उसका एक सलूशन निकाला है और अब आने वाले दिनों में हम लोग जब और मेहनत करेंगे तब जाके सभी दूध देना बंद करने वाली गौ माताओं को हम यहाँ पर पहुँचा पाएंगे और उसके गोबर आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद हमारा जो गोवंश वन विहार है वो करोड़ों की संस्था हो जाएगी क्योंकि उससे हम गोबर की खाद भी बना रहे हैं गौमूत्र से हम वो जो फेनाइल होता है गोनाइल कहते हैं उसको गोनाइल बनाने बना रहे हैं गोबर पेंट भी हम बनाने की योजना बना रहे हैं अभी तो बनाने में हमारी बहुत एनर्जी लग गई उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अब उसको फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी कैसे हो जाए इसके लिए अब हम लोग उस पर काम करेंगे और एक ऐसा सक्सेसफुल मॉडल होगा कि जिसको पूरा देश अडॉप्ट करेगा ऐसा मुझे लगता है तो ये आपने मध्य प्रदेश के अभी के जनसंपर्क मंत्री और पी एच यू मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला जी के साथ हमारी बातचीत सुनी जो सारे सवाल जनता हमसे पूछ रही थी जब हम यहाँ दो दिन अलग अलग जगह से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमने इनसे पूछने की कोशिश की और राजेंद्र जी जीवी बड़ी विनम्रता पूर्वक समय देकर दिवाली की शाम को इसका जवाब दिया आप इस बातचीत पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरा नाम सोनल है कैमरे के पीछे विजय है हमारी मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव कवरेज लगातार जारी है हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे वहाँ की समस्या वहाँ के मुद्दे समझने की कोशिश करेंगे और अगर हमें वहाँ के जनप्रतिनिधित्व मिल गए तो उनसे भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा शुक्रिया